अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और हेल्दी से होंगे। तो जी, ये है ईद हल्टे। हम लोग जा रहे थे ओकाड़ा। रास्ते में हम रावली रुके थे और वहाँ पे हमने खाई कुल्फियाँ। वहाँ की बड़ी फेमस बाबा जी की कुल्फियाँ हैं, तो वहाँ से फिर अबू जी ने हमें कुल्फियाँ लेके दी, वो खाई। मक्खियाँ तो बड़ी थी पर बाहर थी, अंदर तो नहीं थी ना। हमने खा ली, पाकिस्तान है कुछ भी चलता है यहाँ पर। जी, फिर हमने कुल्फियाँ खाई, हमने ये इन्जॉय की है, बड़ी मज़े की थी। उसके बाद जी हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। आगे जाके हम लाहौर के करीब कहीं पे किसी पेट्रोल पंप रुके थे, भाई ने वहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ी, बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। उसके बाद फाइनली जी हम 6 घंटे का सफ़र करके उकाड़ा पहुँच गए। और रश बहुत था रास्ते में, ईद के दिन में वैसे ही बहुत रश होता है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया क्या मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े क्लिप ऐड कर लेते हैं। जी हम उकाड़ा बिल्कुल घर के पास आ गए थे, तो फिर हम थके टूटे घर पहुँच गए। घर से जाते साथ ही ना बच्चों ने अपना शुगर मेला लगाना शुरू कर दिया। इनके कज़न्स वगैरह भी आए हुए थे, इन्होंने ढोल वगैरह बजाना शुरू कर दिए। और बस एक शुगर मेला लगा रहा। उसके बाद हमने खाना खाया, नमाज पढ़ी, रेस्ट की, और फिर अगले दिन हम फिर से रवाना हो गए कहीं पे। वो भी आपको बताती हूँ कि कहाँ गए। मेरी हाला की शादी है, गाना गाओ। हमारा भाई अभी छोटा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ओए बंदर। हाँ जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठ के नाश्ता वगैरह करके सुबह सुबह ही तकरीबन 9-10 के बजे से हम लोग गांव की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पे अंकल को कुछ सामान देना था, अंकल गांव में गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो भी हम गांव का विज़िट करें। हम छोटे छोटे थे जब हम गांव गए थे, तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, गाँव नहीं थे। ये जी फसलें पकी हुई थी, बिल्कुल गंदम तैयार है। और अबू जी भाई देखने गए थे कि ना कि कुछ कोई बूटी जड़ बूटी वगैरह अबू जी चेक कर रहे थे वो है कि नहीं है। खैर हम गांव वाले घर में पहुंच गए, बिल्कुल गांव वाली ही फीलिंग आ रही थी। हमारे गांव तो माशाल्लाह से इतनी तरक्की कर गए हैं, वहां तो कोठियां बन गई हैं, गांव वाली लुक की नहीं कोई आती वहां पर यहाँ पे आकर सही देसी माहौल, फुल ऑन देसी माहौल था, तो देख के बहुत 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 अच्छा लगा। ऊपर से मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, हमने सही इंजॉय किया। गाँव का घर विज़िट करने, वो इतना प्यारा मौसम है। और आज है निमरा का लिखा, निमरा कौन सी देखे चलती बाकी पता नहीं कौन सी आज इसका नका है मेरे साथ घूम रही है। चलो जी मेहमानों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं पूरा। हाँ भाई याद ही रह जाती है फिर कहाँ मिलने मिलाने पर सब। चलो जी अब हम घर देख लें तो फिर बात करते हैं आप। हाँ हाँ इंड का व्यू बहुत प्यार, सही गाँव वाली फीलिंग आ रही है। हमारे जो गांव है वो गांव रहे नहीं, वो पूरा शहर वाला इलाका बना हुआ। नो बहुत प्यारा मौसम, सही गांव वाली फीलिंग आई। इतने अरसे बाद गांव देख के बड़ा अच्छा लगा। शाबा, और वो देखो अकेला अकेला जूस पी। चलो कोई नहीं, हम भी पी लेंगे। ये जी फिर भाई ने हमें वहाँ की बर्फ़ी लेके दी, वहाँ की बड़ी फेमस बर्फ़ी थी, फिर हमने ये खाई रास्ते में। उसके बाद हम घर वापस आ गए। उसके बाद हम घर आके टिके नहीं, हम अगले सफ़र पे शुरू हो गए, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो जी बहुत मज़ा आया गांव देख के, काफ़ी अच्छी फीलिंग रही। देसी फैमिली में ना आपको वॉइस ओवर करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, पर हैर है, काबिल कबूल कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।